शॉट मिस हुआ है आज, सेकंड की वजह से। तो दोस्तों अब वापसी हो रही है गेट की तरफ। तो दीपंकर भाई बड़ा बैड लग रहा है। अभी तो जंगल नहीं है, जंगल थोड़ा बहुत मतलब पाँच मिनट की देरी की वजह से सेटिंग कर मिस हो गई हमारी बच्चों के साथ। दोस्तों फिर ट्राई करेंगे अगली बार जैसा अक्सर होता है सफारी में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किल है और आज बहुत किस्मत ख़राब रही, बच्चे भी छूटे और किल भी छूटा। वो है बच्चे अंदर को जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हैं अंदर को है किससे अंदर है नहीं देंगे तो बहुत अंदर है। यहाँ देखो थोड़े ना है यहाँ क्या दिखेगा, भाषा भी नहीं दिख रहा, वो भी अंदर दिख रहा है हल्की सी कुछ जाते हुए दिखा रहा अंदर थोड़ा सा पीछे लगा। तो यहाँ पे है अंदर किल और बच्चे भी हैं। क्या है इसका? बहुत जबरदस्त। हाँ ये एरिया बढ़िया है, बहुत प्यारा एरिया है, प्यारा। तो भी ये बिल्कुल नया एरिया है जहाँ सफारी हो रही है फोटो जोन में। क्या शिकारी कुआं उसको भी खोल दिया, वो बॉर्डर पे आ गया थोड़ा। सागर सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ विद खत्री में। तो दोस्तों आज एक बार फिर हम आ चुके हैं सफारी के लिए फाटो जोन में जो कि रामनगर में है और अभी हमारी सफारी बस शुरू ही होने वाली है, कुछ एक गाड़ियाँ अंदर चली गई हैं और हमारा नंबर भी बस आने वाला है। तो दोस्तों आज की सफारी देखने के लिए आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो ठीक सामने ये है एंट्री पॉइंट फाटो जोन का। और दोस्तों टाइम तो हो चुका है, थोड़ी हमें लेट हो चुकी है और ये देखिए ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। तो दोस्तों फाटो जोन की सफारी की शुरुआत हो चुकी है और हमारे आज के हमारे दोस्त हैं दीपंकर भाई एक बार फिर साथ में। और दोस्तों आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप दीपंकर भाई के साथ ही दिखते हैं, तो हम दोनों अक्सर साथ ही सफारी करते हैं। और आज हमारे गाइड भाई साहब, आप नाम बताइए ज़रा। सर अमित चंदोला। अमित चंदोला जी हमारे आज गाइड हैं हमारे साथ और हमारे जो ड्राइवर हैं साहू भाई हमारे मित्र। और अभी तक की सारी सफारी जो है हमने साहू भाई के साथ ही करी हैं अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों फाटो जोन की ये सीज़न की पहली सफारी है मेरी, तो देखते हैं। हाँ सीज़न की पहली सफारी है ना, पहली सफारी में मुझे तो दिख गया टाइगर। तो मैं दिखा था पहली सफारी में। अच्छा सीज़न की। अच्छा तो तुम्हारी कौन सी है? दूसरी सफारी है। हाँ उस दिन मैं नहीं आया था ना। तो दीपंकर भाई ने पहली सफारी में टाइगर यहाँ पर देख लिया है और अब मेरा नंबर है आज का, देखते हैं क्या होता है। आप भी देखोगे? हाँ धन्यवाद आपका, दिख जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो फाटो जोन की बहुत सी यादें हैं पुरानी जो वाटरफॉल में पिछली बार टाइगर्स देखने को मिली, तीन तीन चार चार बार हमने काफ़ी वीडियो और फोटोज़ के शूट किए यहाँ पे। तो चंदोला जी अभी कौन से यहाँ पर दिख रहे हैं टाइगर्स या टाइगर्स? अच्छा अच्छा एक तो सर तो कैंपस के आसपास रहती है और एक तो वाटर हॉल के आसपास रहती है सर। अच्छा आज सुबह दोनों स्पॉट हुई है। अच्छा बाकी सर कुछ नए मेल मिल रहे हैं। अच्छा जो पिछली बार टाइगर दिखी थी त्रिशूली ना, उसका बच्चा दिखा नहीं दिखा अभी? बच्चा शुरू में स्पॉट हुआ है। अच्छा अब क्या सर मीटिंग जल्द स्टार्ट हो जाता है ना, तो अपने कब से कब सेफ बनने के लिए अपने सर दूरी रखती है टाइगर्स। हाँ ठीक है सर। दोस्तों भी हमें यहाँ पे दिखा मंगूस नेवला और कहते हैं जब नेवला दिखता है तो टाइगर भी दिखता है, देखते हैं। तो दोस्तों वैसे हमारे कॉर्बेट में नाम रखने की परंपरा नहीं है यहाँ पर टाइगर या टाइगर्स की, लेकिन हम लोग बोल देते हैं अपनी सुविधा के लिए और आपको बताने के लिए
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी टाइगर का या टाइगर सा कोई नाम नहीं है। बड़े पैर बिल्कुल हाँ यार बात करें पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर हैं गुज्जरों के घर, काफी सुंदर ये घर बनाते हैं, गर्मियों में ठंडे और जाड़ों में गर्म। तो दोस्तों गुज्जर जो है अपनी सारी जिंदगी जंगलों में काटते हैं और जंगलों के बारे में इनका अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। टाइगर टाइगर के बीच में ये रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। कब आके बसे हमें कुछ आइडिया सर? देखिए इनको कहा जाता है ना सर, ये महाराणा प्रताप की आर्मी में काम करते थे ना। अच्छा, वो बेटा लोग थे सर ये। अच्छा, आर्मी में हथियार बनाते थे। अच्छा, ये वहीं पर ही मतलब अपने मतलब पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का काम करने लगे सर। और दूसरा फर्क ये है कि सर लोग कहते हैं कि बड़ा अंग्रेज लोगों ने बसाया इनको ना, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई मतलब यूज करते थे ज्यादा प्योर फॉर्म में मिले करके। तो उन लोगों ने इनको मतलब डेयरी प्रोडक्ट मिलता रहे लोगों को बसाया सर। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जंगल की जितनी नॉलेज इनके पास है शायद ही किसी के पास होगी, किसी के पास होगी सर, क्योंकि सर ये ऐसे लोग हैं जो अपने जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। बाकी सिवा अगर जो मतलब हम लोग हैं जो दूसरा लोग है उसको बताने से बचते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। इनके सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट है सर इनके। ये इनके घरों में हाथी नहीं आते हैं, बाघ नहीं आते हैं और इनको कभी बाघ मारते तक नहीं है। तो ये जो गुजर लोग हैं ये सालों साल से जंगलों में रह रहे हैं और अभी भी रहते हैं। तो जंगलों के बीच, टाइगर के बीच, लेपर्ड के बीच रहना हमको अच्छी तरह आता है और जो भी इनकी रहने की कला है ये यही जानते हैं, क्योंकि ये अपने जो राज हैं किसी दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों अकेले भी चल देते हैं जंगल में और पूरा परिवार इनका जंगल में रहता है, लेकिन कभी भी ऐसी घटना आपने नहीं सुनी होगी कि कोई गुज्जर जो है टाइगर के हमले में मारा गया है। ये इनको टाइगर के बिहेवियर का या जो भी कह सकते हैं इनको पता होता है और उसी हिसाब से अपने आप को यहाँ पर रखते हैं, रहते हैं। देखिए डियर, एक सा एक शॉट मार लेते हैं इसका यार। दोस्तों सारी जगह चेक करने के बाद एक बार फिर हम आ चुके हैं नए वाले एरिया में, नए वाले जंगल में, जो रास्ता भी खुला है ये पहली बार। और अब जो है सारा समय हम यहीं पे देंगे, क्योंकि यहाँ पर फीमेल टाइगर है जिसने 3 बच्चे जिसके साथ हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा हमें। और उधर के एरिया में सुनसानी थी और अभी तो पूरे जंगल में ही सुनसानी है। अब जो है समय हो रहा है मूवमेंट का जानवरों की, ये टाइम बेस्ट है। अब नए जंगल में आज पहली बार। यह है दीमक की बॉम्बी, दीमक का घर। नई वाली जगह पर भी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। एक जगह हमें पंजे देखने को मिले थे लेकिन वो बहुत साफ़ नहीं थे और हो सकता है कि पुराने हों,
और आगे हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हल्की स्मेल है, हो सकता है कि अगल बगल कहीं पे उसका किल हो, तो वहीं पर टाइम देंगे। खड़े थे वो दिनाल की तरफ तो निकली है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेटिंग हो चुकी है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो जिसके तीन बच्चे थे वो ट्रैक यहाँ पे दिखी है, सामने गाड़ी खड़ी है इन लोगों को, तो यही होता है अक्सर टाइमिंग का हिसाब, और हम यहाँ पे थे नहीं तो यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है। मैंने पूछा था ये है यहाँ पर जो है सेटिंग हो चुकी है। सारा खेल हो चुका है, ट्रैक इस बच्चों के साथ दिख चुकी है और हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे तो फिर भी अभी थोड़ा टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। अब बहुत टफ है दिखना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब सिवाय वेट करने के हमारे पास कोई चारा नहीं है। कॉल हो रही है मुर्गे की, तो दोस्तों 5 मिनट से हमारा मिसवा जाना नहीं है हमारे पास, और सफारी का टाइम भी अब समाप्त होने वाले है, तो आधे घंटे का समय बचा है अब सफारी का। तो दोस्तों अब वापसी हो रही है गेट की तरफ, तो दीपंकर भाई बड़ा बैड लग रहा है। अभी तो जंगल नहीं है, जंगल थोड़ा बहुत मतलब 5 मिनट की देरी की वजह से सेटिंग करने हो गई हमारी बच्चों के साथ। दोस्तों फिर ट्राई करेंगे अगली बार, जैसा अक्सर होता है सफारी में, क्योंकि हम सुने कहीं और पे थे। पहले ग्राउंड हम यहाँ पर आए थे, चेक कर गए थे, उस टाइम यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं थी, लेकिन अचानक ही बच्चों के साथ वो निकली, और फिर एक दो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी जिससे उनको मिली वो बच्चों के साथ। देखेंगे मुर्गा बोला भैया, मुर्गा बोले मुर्गी बोले कुछ नहीं होना, मेरा भी हो गया। तो ऐसा होता है अक्सर सफारी में। फिर शॉट मिस हुआ है आज, सेकंड की वजह से यहाँ से ले गई है किल। अभी जो सामने गाड़ी खड़ी थी उनको दिखी, पूरा किल वहाँ से ले गई। अरे बैठा तो यहाँ पे ड्राइवर ये कहाँ है, ये उसका किला किले 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 किल पड़ा है, किल पड़ा है उसका, किल पड़ा है उसका, ये पड़ा तो है किल यहाँ तो, ये पड़ा है किल। कहीं वो ना करते, चार्ज ना करते हैं। हाँ बिल्कुल वो पर खड़े हैं, तो ये ठीक सामने किल है, यहाँ पे बंदा झाड़ी हो रही दिख नहीं रहा, दिख रहा तुम्हें किल? हाँ ये पड़ा तो है, बाबा यहीं पे रखो, किल यहीं पे छोड़ा, वो भी है आस पास ही, हो गया अंदर ही है यार, कहीं आने जाए मुँह पर भाई, ठीक सामने यहाँ पे पीछे कर लो, यहाँ से किल ले गए थोड़ी थोड़ी पीछे कर लो, पीछे को नहीं आएगी टाइगर, तो आगे चलो क्या अंदर छोड़ते हैं, आगे चलो उस पर, छोड़ना क्यों यार, अभी रुक जाओ, पानी ऐसे खींचते चलते हैं या उधर से निकले रोड पर, एक बार ऐसे लगे। ये सामने गाड़ी आ रही है, इन लोगों को मिले हैं शॉट उसके किल को ले जाते हुए, कैसे बन गया इसको पता होगी, तो उसने गाई मारी थी एक। दोस्तों यहाँ पे जो है किल है, और आज बहुत किस्मत खराब रही, बच्चे भी छूटे और किल भी छूटा, वो है, वो है बच्चे अंदर को जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं है? अंदर को है, किस साइड अंदर है, नहीं दिखेंगे थोड़ा बहुत अंदर, ऐसे यार देखो पहले, यहाँ देखो यहाँ पे डरना थोड़ी ना है,
यहाँ क्या दिखेगा, माचा भी नहीं दिख रहा, वो भी अंदर दिख रहा हल्की सी पूछ जाते हुए दिखा अंदर थोड़ा सा पीछे लगा। तो यहाँ पे है अंदर केल और बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत घनी झाड़ियाँ हैं और ज़्यादा करीब हम जा भी नहीं सकते हैं। चलो यार थोड़ा सा, तो आज का दिन बड़ा सरप्राइज रहा हमारे लिए। तो हर जगह से टाइगर छूटा हमारा, किल के साथ भी छूटा, बच्चों के साथ भी छूटा। दोस्तों बहुत किस्मत ख़राब थी आज, इसी को कहते हैं किस्मत। टाइगर देखने के लिए बहुत किस्मत चाहिए भाई। कुछ कहो यार, कुछ प्लीज़ यार, कुछ तो बताओ क्या हुआ आज की कहानी। तो बताओ पहले कुछ क्या हुआ आज। आज कुछ नहीं हुआ हमारा, अभी क्या हुआ ये बताओ, वहाँ कैसे हुआ पपड़ी बताओ ना। अरे वही है, थोड़ा सा हम आगे वेट कर रहे थे। हाँ, और पीछे गेम हो गया। तो आज का दिन बड़ा वही है, किस्मत किस्मत नहीं थी आज, किस्मत का बहुत ऊँची है साथ। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं, फिर ट्राई करेंगे। ये तो हमें कोई पहले दोस्तों सामने चीज़ों का एक्शन दिखे, पहले वाले में उतना बुरा नहीं लगा जितना दूसरे में लगा। आ रहा है पीछा कर रहा है सभी, थोड़ा थोड़ा पीछा कर दो, थोड़ा सा पीछे कर दो बस। दोस्तों लौटते वक्त दिखाया हाथी, चलो दिख तो रानी साहब। एक मिनट रुक जाओ यार, ये लगा आया। तो वापसी में हमें ये हाथी दिख गया यहाँ पे, चलो दिख गया, अब चलते हैं। और भी आ रहे हैं पीछे, ऐसे आवाज कर रहा है। कौन सा पेड़ है? चलो ये कर सा हुआ, चलो चलो। ये हाथी तो वापसी कर रहे हैं गेट की तरफ, समय जो है समाप्त होने वाला है, थोड़ा ही टाइम बचा है। और आज की सफारी जो है काफ़ी विविधतापूर्ण रही, कभी कुछ कभी कुछ, भी कॉल तो यहाँ पर हुई नहीं आज। और अचानक ही टाइगर अपने बच्चों के साथ देखी, एक बच्चे थे उसके, लेकिन हम कुछ समय की दूरी से पीछे रह गए। और जब हम पीछे खड़े थे तो अचानक वो आई और अपनी किल को ले गई, तो उस समय भी हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो आज हमारा दिन नहीं था, हमारी किस्मत नहीं थी। तो ऐसा होता है अक्सर सफारी में, तो सफारी हमने आगे भी करनी है, तो अगली बार फिर ट्राई करेंगे ताकि सच्चे भी शॉट मिले। तो दोस्तों अभी वापसी कर रहे हैं गेट की तरफ, रास्ते में भी काफ़ी अभी जंगल बचा हुआ है। जैसे वापस में भी हाथी हमें मिल गए थे, हो सकता है कुछ मिल जाए। और ये सामने है एक वॉच टावर जहाँ से निगरानी रखी जाती है जंगलों में। अच्छा ये नया रास्ता है। हाँ ये हम पहले देखते थे बस, ये इस बार नया रोड खुला है। तो आज हम पहली बार आए हैं इस रास्ते में, कुछ पर्टिकुलर नाम रखा है ये रास्ते का। तो ये नया रास्ता है, गुजर जाला रोड कह रहे। तो यहाँ पर एक आइए खुली जगह, सामने यहाँ पर कुछ घर हैं जिसमें रहते हैं गुजर लोग। यहाँ पर जो है गुजरों का एक गांव है छोटा सा,
तो दोस्तों अंदर ये एक वाटर होल है, देखिए कितना खूबसूरत है ये, बिल्कुल ग्रीन ऐसा कलर, पूरी काई जमी है इसमें ग्रीन। ये ना इसका बहुत जबरदस्त, हाँ ये एरिया बढ़िया है, बहुत प्यारा एरिया है, प्यारा। तो भी ये बिल्कुल नया एरिया है जहाँ सफारी हो रही है फोटो जोन में। क्या शिकारी कुआं, उसको भी खोल दिया। तो जो फाटो जोन का एरिया है इस साल कुछ बढ़ा दिया गया है, तो अभी हम जिस एरिया में घूम रहे हैं ये अभी खोला गया है इसी सीज़न में, तो पहले यहाँ पे सफारी नहीं होती थी, तो ये पहली बार यहाँ पे सफारी हो रही है, तो बिल्कुल नया एरिया है और बहुत खूबसूरत है ये, और अब जंगल का एरिया बढ़ गया है तो थोड़ी सेटिंग भी बढ़ेगी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड्स हमें मिली और एक हल्का सा वीडियो जैसे ही बनाया तो वो उड़ गए यहाँ से, तो थोड़ा बहुत आया है। तो टाइगर टेरिटरी है और यहाँ भैंस भी घूम रही है, तो ये जो भैंसें यहाँ पे घूमती हैं ये गुज्जरों की भैंसें हैं, क्योंकि अभी आपने देखा अंदर झाले हैं, सब गुज्जरों के मकान भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अंदर जंगल में गुज्जर लोग भी रहते हैं यहाँ पे। तो ये है फाटो जोन की मेन रोड, अभी हम जहाँ से आए थे वो था पिंक वाटर होल। यहाँ का रास्ता बंद है जब स्टे करते हैं, बहुत यहाँ देखिए चार पाँच बजे का टाइम है सर, ऐसा भी दो टाइगर हमारे कम भी हो गए उस टाइम से। दोस्तों पहुँच चुके हैं गेट में और सिर्फ एक मिनट बचा है। दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और दोस्तों आज काफ़ी दिन हमारा ख़राब रहा सफारी का, बच्चे भी मिस हुए, किल भी मिस हुआ, तो कोई नहीं अगली बार फिर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आपसे मेरी मुलाकात होगी मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय बाय।